उमरिया जिला के कोतवाली थाना के अंतर्गत ग्राम निगहरी के करीब शाहपुर मार्ग पर बारातियों से भरी एक पिकअप पलटने से करीब आधे दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। घटना की जानकारी पर मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची है और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। बताया जाता है कि दुर्घटना ग्रस्त पिकअप बारातियों को लेकर वापस दूल्हे के गांव जा रही थी और तभी हादसे का शिकार हो गई। बारात शाहपुरा स्थित पिपरिया से ग्राम बरौंदा से आई हुई थी। विवाह आयोजन पूरा होने के बाद सुबह बाराती पिकअप वाहन से वापस शाहपुरा जा रहे थे, तभी निगहरी के करीब क्रिश्चियन स्कूल के पास अज्ञात कारणों से पिकअप पलट गई। इस घटना में घायल तो कई लोग हुए हैं, लेकिन किसी को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है जिसे गंभीर कहा जा सके। डॉक्टरों का कहना है कि घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में रखा गया है और एक दो दिन बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। इस हादसे में काशीराम पिता गंधालाल उम्र 45 वर्ष, राजेश पिता बल्ला झरिया उम्र 50 वर्ष, तो वहीं संतोष पिता देवलाल झरिया उम्र 30 वर्ष, साथ ही शिव कुमार पिता झल्लू साहू उम्र 17 वर्ष घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल सभी घायल इलाजरत हैं। वहीं घटना के बाद घायलों के परिजनों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। बताया गया कि कुछ घायलों के परिजन तो अस्पताल भी पहुंच गए और अपने लोगों की तीमारदारी में जुड़ गए हैं। जिला प्रशासन ने भी अपनी तरफ से घायलों की मदद के लिए काफी व्यवस्थाएं कर दी हैं। पिकअप पलटने की इस घटना से कुछ लोग साधारण तौर पर घायल हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल नहीं पहुंचाया गया है। पिकअप वाहन में कुछ और लोग भी घायल थे, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उमरिया जिले में सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस तरह की बार बार होने वाली घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन अपने स्तर पर चिंतन तो खूब कर रहा है, लेकिन घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रही है। प्रतिदिन यहाँ कम से कम एक हादसा जरूर होता है जिसमें लोग घायल हो जाते हैं। उमरिया जिले में हर साल 100 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौत का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे घुमा स्ट्रेचर अरे तो दीपक को बुला लिया, मैं सुदामा खड़ा है, मैं खड़ा हूँ। हाँ यार, ड्यूटी में 7 बजे से आकर पेपर है। किसका पेपर है 7 बजे?